इस भारत में रहने वाले अगर मुसलमान मेरे भाई हैं तो हिंदू भी मेरे भाई हैं। तो मेरे दोस्तों, उनके त्यौहार पर मैं खुश क्यों ना हूँ, जबकि मैं बचपन से सनातन धर्म के बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं 30 अगस्त के लिए देना चाहता हूं, क्योंकि इस दिन मेरी प्यारी प्यारी भारत की बहनें अपने अपने प्यारे प्यारे भाइयों के हाथ से रक्षाबंधन की राखी बांधेंगी। रक्षा सम्राट अलेक्जेंडर की। सम्राट अलेक्जेंडर जब भारत जीतने के लिए भारत में आए थे, उन्होंने आगमन किया था, तो वो बहुत बलशाली बहुत ताकतवर थे, लेकिन उस वक्त हमारे भारत देश के राजा थे पुरु। पुरु की वीरता में भी कोई कमी नहीं थी और अलेक्जेंडर को पुरु की सेना से लड़ने के लिए अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी थी। उस वक्त अलेक्जेंडर की जो पत्नी थी, अलेक्जेंडर की पत्नी को रक्षाबंधन के त्यौहार के बारे में पता चला था और उन्होंने पुरु को राखी भेजी थी और कहा था कि आप मेरे पति को ना मारिएगा। तो पुरु ने रक्षाबंधन की लाज निभाई थी, अपनी बहन के सुहाग की रक्षा की थी और पुरु ने अलेक्जेंडर को नहीं मारा था। ये पहली कहानी है। दूसरी कहानी है चित्तौड़गढ़ की महारानी कर्णावती की, जो कि उस वक्त विधवा थी। उनके राज्य के ऊपर चढ़ाई कर दी थी बहादुर शाह जफर ने, जो कि उस वक्त गुजरात के राजा थे। तो गुजरात के सुल्तान ने बहादुर शाह जफर ने रानी कर्णावती के राज्य पर हमला कर दिया। उस वक्त वो असहाय थीं और अपने राज्य की रक्षा करने में अक्षम थीं, तो उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी। जब उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी तो हुमायूं ने बिना वक्त ज़ाया किए, बिना वक्त गवाए, बिना समय गवाए अपनी सेना की टुकड़ी को उनकी रक्षा के लिए भेज दिया था। इस तरह से रक्षाबंधन की ये दो पुरानी कहानियां मैंने आपको सुनाई हैं। आज भी हमारे देश के अंदर ना जाने कितनी रानी कर्णावती होंगी जो अपने भाइयों से मदद मांगती हैं और भाई उनकी रक्षा करते हैं। तो इस त्यौहार की सबसे बड़ी खासियत यह है के भाई बहनों का प्यार इसके अंदर बिल्कुल एक दूसरे के लिए जान निछावर करने वाला जज्बा रहता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनसे वचन लेती हैं कि वो उनकी रक्षा करेंगे। ये इस त्यौहार की सबसे बड़ी खासियत है। फिर बिल्कुल शुद्ध और बहुत ही सादे तरीके से मनाया जाने वाला त्यौहार है, ना ही इसमें कोई बुरा काम, शराब वगैरह ये सारी चीज़ें से दूर कर दी जाती हैं, कुछ नहीं पीते। सिर्फ भाई अपनी बहनों की रक्षा की सौगंध लेते हैं और बहुत प्यारे तरीके से बहनें उनके हाथों में राखियां बांधती हैं, तो ये बड़ा अच्छा सीन बनता है। बहुत ज़्यादा मैं इसको पसंद करता हूँ। मैंने भी बहुत, जब मैं रानीखेत में रहता था तो मेरी बहुत सारी बहनें हिंदू थीं जिन्होंने मेरे हाथों पर राखी बांधी है और आज तक मुझे याद हैं उनके चेहरे पर। अब मैं बहुत दूर हो गया हूँ, तो मैं आज भी इस बात के लिए एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से त्यौहार का मनाना और एक अच्छा त्यौहार समझता हूँ मैं इसे। तो मेरे दोस्तों, मैं आप सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत ढेर सारी बधाइयां देता हूँ। तो अब अपने दोस्त सलीम अहमद को आप इजाज़त दीजिए। प्यारे प्यारे गाने मैंने आपके लिए छोड़े हैं जो मैं सुना रहा हूँ आपको, आप इनको सुनिए और रक्षाबंधन के त्यौहार को बढ़िया करके मनाइए और भाईचारा, हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल कायम कीजिए हमारे देश के अंदर कि हाँ, हम लोग क्या हैं कि मुसलमान हैं और हम हिंदू हैं और हम सिख हैं और हम ईसाई हैं, सब एक दूसरे को जोड़ते हुए चलें, तो ज़रूर हमारे देश के अंदर कामयाबी, तरक्की की ऐसी मिसालें पैदा होंगी कि लोग देखेंगे और रश्क करेंगे हमारे ऊपर। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, जय भारत, जय हिंद। दोस्तों,